दहेज और जाति के नाम पर विवाहित महिला को ससुराल वाले कर रहे हैं प्रताड़ित। महिला को अपनाने से ससुराल वाले तैयार नहीं, क्योंकि महिला छोटी जाति से आती है और ससुराल वाले बड़ी जाति के हैं। पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि ससुराल वालों ने कहा तुम दहेज लेकर नहीं आई हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता हूँ। आपको बता दें कि यह घटना दरभंगा जिले के सुंदरपुर बेला की है और घटना आज प्रकाश में आई जब महिला ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना दुखड़ा सुनाया। महिला ने कहा कि 2013 में मेरी शादी अमृतेश मोहन से लव मैरिज हुई थी। उसके बाद मेरे पति मुझे मेरे मायके में रखे। बार बार मैं कहती थी मुझे अपने ससुराल ले चलो तो वह इनकार करते थे। अंत में बार बार कहने पर अमृतेश मोहन मेरे पति मुझे अपने पैतृक आवास दरभंगा सुंदरपुर बेला लेकर आए। इसे देखकर मेरे सास ससुर और सभी रिश्तेदार चौंक गए और मेरे बारे में जानने के बाद उन लोगों ने कहा कि तुम दहेज लेकर नहीं आई हो और छोटी जात से हो, इसलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कल मैं पहले महिला थाने गई हूँ, महिला थाने में एफआईआर। ससुराल में क्यों भटक रहे, ससुराल से निकाल दिया है क्या? नहीं, यहाँ से मारपीट के निकाल दिया इन लोगों ने। कल आप कहाँ से आई थी? कल मैं महिला थाने से आई हूँ, उनको बोला है कि मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेके भटक के, आप मेरी सुरक्षा का इंतजाम करिए, मुझे ससुराल में रखवाइए, नहीं तो ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ भी ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके पास कहीं वो लोग नहीं सुने हैं, तो मैं यहाँ सीधा आ गई हूँ। ये लोग मुझे बंद कर दिए, बाहर निकाल दिए, कल मेरे साथ मारपीट भी की है, मेरे कल रात में क्या हुआ? कल रात में ये लोग अंदर सब जगह ताला लगा लिए, मेन गेट में भी ताला लगाए हैं, तो मैं कैसे कैसे ऊपर से आई हूँ, बच्चे को भी इन लोगों ने बाहर के लोगों ने दिया है, तो मैं पूरी रात यहीं सोई हूँ। मतलब कैंपस जाने आने का रास्ता बस? हाँ यही है, यहीं से रेंटर सब जाते हैं, तो मैं यहीं सोई हूँ रात। ताला कौन लगा दिया? ताला अंदर में सास है, सास थी और वही देखी मैंने और कोई नहीं देखा, वही थी वही ताला लगा दिया। Okay, मारपीट कौन किया है? मारपीट मेरे हस्बैंड किए थे, बाद में वो आए थे। क्या नाम है? अमृतेश। अच्छा, आपके सास के द्वारा आपको ताला मारा गया सभी रूम में बाहर? हाँ, रखा हाँ। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, वो लोग है ही नहीं, वो लोग भागे और पता नहीं कौन मौजूद है, वो लोग रात में निकल गए हैं, अभी कोई नहीं है घर में, कोई नहीं है। मेरी ननद यहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम बदली है। मेरी ननद का? मेरी ननद का रोजी झा नाम है, वो 3 महीने के लिए यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे मेरे ससुर थे, मेरे पति थे, मेरी सास थी, तो वो लोग मेरे साथ मारपीट करते थे, कमरे में ही बंद रखते थे, मेरा फोन तक बंद करके मारते थे। हाँ, मेरा फोन तक वो लोग तोड़ दिए थे। मेरी ननद थी, वो दिन रात साथ में रहती थी, अब वो लोग मेरे को मार के मेरे बच्चे का गला दबा दिया और बोले कि तुम साइन करो यहाँ से और तुम आजाद हो, तुम जाओ जहाँ तुमको जाना है, तुम अपना यहाँ से जाओ, वही शादी देखो, वही तुम शादी करो। चलिए, आपके पति की सुन रहे हैं कि शादी दूसरी हुई है? हाँ, अपने पति की, मेरे मुझे भी सुनने में आया था कि शादी हुआ है, तो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे लड़की नहीं दिखी है, ये लोग मेरे को निकाल दिए यहाँ से। आपके साथ डिवोर्स हुआ? उनका डिवोर्स नहीं हुआ। डिवोर्स नहीं हुआ? उसके पास उससे पहले शादी हुई? 6 तारीख को हीरिंग था, मैंने वकील से बात किया, कोर्ट में बात किया, तो वो बोले कि अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो रद्द हो गया। ये समझाइए मुझे कि आपकी शादी को कितने वक्त है? मेरी शादी 2013 में हुई थी। एक बच्चा है? दो बच्चे? एक ही बेटा है। एक बच्चा है। इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना आपके पति के साथ हुई? नहीं, उससे पहले नहीं हुआ था, एक बार बीच में 2016 में आए थे यहाँ पे, मेरे पति लेके आ गए थे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को शक हो गया था मेरे बारे में कि ये शादी कर रही है, तो वो लोग बुला लिए थे मेरे पति को, वो मुझे यहाँ पे छुपा के रखे हुए थे, उन्होंने बताया नहीं था, मुझे बुला लिया था वहीं से, गुड़गांव से, और यहाँ पे महिंद्रा में मेरे जॉब लगवाई थी 2016 की बात है, मैं वहीं पे नौकरी करती थी, यहीं 52 जिला में रहती थी। ये आज मामला जो आज उखड़ा, ये कब से हो रहा है? ये 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने का हाँ, 1.5 महीने से धमकियाँ दे रहे हैं मुझे मारने की, जान से मारने की। हाँ, बोले तुम यहाँ ही चली जाओ, तुम यहाँ पे, इनको पता है कि एफआईआर हो गई है, इनके धमकियाँ दे रहे हैं, तरह लगातार उसी दिन से मुझे धमकियाँ मिल रही है। क्या नाम है? मेरा बबली। मेरा गुड़गांव है। कहाँ पे ससुराल है आपका? ससुराल यहीं पे है, सुंदरपुर लक्ष्मी है, ये नया टोला। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।